नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की घटना अपराध के उसी दौर की है जिस दौर का मैं पहले बहुत जिक्र कर चुका हूं। उस दौर में जब न सीसीटीवी थे, न मोबाइल फोन था और न ही कम्युनिकेशन के दूसरे साधन थे, अपराध अपने चरम पर था। आज का वाकया महाराष्ट्र का है और तारीख है 26 अगस्त 1994। महाराष्ट्र के पुणे शहर में कोपौड़ा फाटा कोथरूड एरिया में शिला विहार कॉलोनी के हिमांशु अपार्टमेंट्स में सेकेंड फ्लोर के फ्लैट नंबर 6 पर 6 के बाहर फ्लैट के मालिक केसरी मल राठी के लड़के संजय राठी, उनके बहनोई संजय राठी के बहनोई यानी केसरी मल के दामाद श्रीकांत नवंधर और घर में काम करने वाली बाई के पति दामो शाम करीब 3:30-4 बजे ये सभी लोग बार बार घंटी बजा रहे थे, बार बार दरवाजे को भड़बड़ा रहे थे, बार बार नाम लेकर चिल्ला रहे थे। वो इसलिए कि घर के भीतर 5-5 महिलाएं थीं, लेकिन भीतर से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, बाहर से ताला बंद था। उन्होंने सभी रिश्तेदारियों में टटोला। चूंकि संजय राठी की पत्नी गर्भ से थी और 8 महीने से ज़्यादा का गर्भ था, यानी 9वां महीना चल रहा था, उनको एक शंका हुई कि लगता है सभी लोग अस्पताल चले गए। मोबाइल का जमाना था नहीं कि मोबाइल से कोई चेक करे। इसी बीच घर के भीतर काम करने वाली बाई सत्यभामा के पति दामू भी आ गए और उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी काम करने के लिए 2:15 बजे आती है और 45 मिनट में वापस घर पहुंच जाती है। सब जगह से निपटा के यहाँ करीब 45-50 मिनट रुकती है, उसके बाद घर पहुंच जाती है, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंची है। तो इसलिए तीनों लोग परेशान थे। लोगों ने सोचा कि हो सकता है पिताजी को जानकारी हो जो दुकान पर बैठे हैं कि ये लोग कहां गए हैं, शायद उनको, क्योंकि लैंडलाइन फोन ही थे घर में, इनके लैंडलाइन फोन भी था, शायद उससे ये जानकारी हो। उन्होंने बताया नहीं, यहां कोई नहीं आया। फिर ये तीनों लोग घर की डुप्लीकेट चाबी लेने के लिए अपने पिता की दुकान, बड़ी फेमस दुकान थी उस समय सागर स्वीट्स के नाम पर, कोपौड़ा फाटा इलाके में, वहां गए और वहां से डुप्लीकेट चाबी ले आए। चाबी लाकर जैसे ही फ्लैट का दरवाजा खोला, सभी तीन के तीनों उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, तीनों बदहवास हो गए, बाहर निकलकर चिल्लाने लगे, क्योंकि घर के भीतर 7 लाशें थीं, 5 महिलाएं और 2 बच्चियों की लाशें। लेकिन उनके फ्लोर पे यानी सेकेंड फ्लोर पे सभी लोग भीतर से अपने दरवाजे को भड़बड़ा रहे थे। पहले बाहर से कुंडी आती थी कि वो कुंडी आप उसे फंसा दीजिए, तो भीतर का आदमी बाहर नहीं आ सकता। एक तो वो सिटकिनी वाली आती थी, एक कुंडी आती थी ऐसे फंसाने वाली, पुराने जमाने में उसका चलन बंद हो गया है। तो बाहर से सारे फ्लैट, उस फ्लोर के सारे फ्लैट्स की कुंडी बाहर से बंद कर दी गई थी कि जो कुछ इसमें हो रहा है इसको सुनकर या अंदाज लगाकर कोई बाहर ना आए। उस समय बहुत तेज बारिश और हवाएं चल रही थी। लोगों ने फौरन उसी लैंडलाइन से थाने को फोन किया, कंट्रोल रूम को फोन किया, भारी मात्रा में पुलिस आ गई और घर के भीतर जब पुलिस ने भी कदम रखा तो उसमें जो लाशें थीं, जो मंजर था, वो देखकर सब अंदर से हिल गए।
लाशें थीं संजय की मां मीराबाई राठी, उम्र 45 साल, गर्भवती पत्नी बबीता उर्फ नीता, उम्र 24 साल, बेटा चिराग, उम्र 25 साल, दो बहनें हेमलता 27, वो शादीशुदा थी जिसके पति बाहर थे संजय के साथ, वो अपने ससुर से मिलने दुकान गए थे और दुकान से अपने साले को लेके साथ आए थे, थोड़ा जल्दी आ गए थे। अविवाहित बहन प्रीति 19 साल और नौकरानी सत्यभामा 32 साल और हेमलता यानी जो बहन विवाहित थी अपने पति के साथ, राखी में देर हो गई थी, उसके बाद अपने बहन अपने भाई संजय राठी को राखी बांधने को आई थी, उसका 1.5 साल का बेटा प्रतीक, कुल 7 लाशें। अब मैंने बताया कि वो जो लोग वहां रहते थे उसमें मीराबाई, संजय की पत्नी बबीता जो 8 मास की गर्भवती थी, छोटी बहन प्रीति, संजय का बेटा चिराग, ये लोग परमानेंट रहते थे और सत्यभामा उनके यहाँ काम करती थी। लेकिन उसी दिन संजय की दूसरी बहन हेमलता अपने पति श्रीकांत नमनधर के साथ वो घर पर आई थी, किसी वजह से वो राखी के दिन अपने भाई के पास को राखी बांधने नहीं आ पाई थी, तो देर से ही सही वो उसको राखी बांधने आई थी, 26 अगस्त की सुबह ही आई थी। और 7 बजे के दुकान पर जब ये लोग 3, 3:30, 4 बजे, ये घटना 4 बजे के आसपास की होगी, 7 बजे ये हल्ला हुआ, मैंने शायद समय इसका गलत बताया है, 7 बजे ये हल्ला हुआ कि जब दुकान पर सब जगह से थक हार गए, दुकान पर संजय और श्रीकांत शाम को 7 बजे गए, वैसे तो देर से आते हैं लेकिन उस दिन पहले ही आ गए थे, और तब ये पता लगा कि नहीं है कोई, अस्पताल की बात सारे रिश्तेदारों के यहाँ सब जगह पता किया, तो किसी के यहाँ उन महिलाओं का, घर की महिलाओं का कोई पता नहीं मिला। पुलिस जब ये लोग तो इन्होंने देखा, ये सब डर के मारे बाहर आ गए, इतनी लाशें देख के इनके होशो हवास खो बैठे, पुलिस जब आई तो चारों ओर खून ही खून बिखरा हुआ था, किचन से लेकर कमरों और बाथरूम में परिवार के सदस्यों की खून से लथपथ लाशें मिली थी। किचन में नौकरानी सत्यभामा का शव था, बाथरूम में संजय की बहन प्रीति जो 19 साल की थी उसका शव था, एक कमरे में मीराबाई राठी और उसके श्रीकांत के बेटे प्रतीक का शव था, दूसरे कमरे में श्रीकांत की पत्नी संजय और श्रीकांत की पत्नी और संजय की बहन दोनों का शव था, तीसरे कमरे में संजय की प्रेग्नेंट पत्नी बबीता और उसके 2.5 साल के बेटे चिराग राठी का शव था। पुलिस ने अपना काम किया, भीड़ इकट्ठा हो गई, आसपास के हजारों लोग वहां इकट्ठा हो गए, बड़ा लूम हर्षक हत्याकांड था, बहुत निर्मम तरीके से सभी की हत्या की गई थी, हत्या जिनकी हुई थी उनमें 2.5 साल और 1.5 साल के बच्चे भी थे और बाकी सभी महिलाएं थीं। तो पुलिस ने जो पंचनामा का कार्य होता है वो संपन्न करा के पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दिया, और उसके बाद जब पोस्टमार्टम हो के लाश अगले दिन आ गई और उन सब का दाह संस्कार हो गया, तो फिर पुलिस ने संजय से बात करनी शुरू की। सबसे पहले पुलिस ने संजय से ये कहा कि जरा चेक कर लें कि घर में सब सामान दुरुस्त है कि कुछ सामान भी गया है, तो संजय ने जब चेक किया तो ये पता लगा कि घर के सारे कीमती सामान, जेवरात और लाखों लाख कैश गायब है। संजय ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी, पुलिस को भी ये साफ हो गया कि इतना बड़ा हत्याकांड लूटपाट के उद्देश्य से अंजाम दिया गया है। यह भी साफ हो गया कि लूटपाट और हत्या करने वाला व्यक्ति जरूर कोई परिचित है, क्योंकि घर में फोर्स्ड एंट्री यानी जबरदस्ती भीतर घुसने के कोई और हत्याकांड को अंजाम देने के कोई निशान मौजूद नहीं थे। अगला पुलिस को जो परेशान करने वाली बात थी
वो ये थी कि घर में सात सात लोगों का मर्डर हुआ, क्या इतनी चीख भी नहीं आई कि बगल वाला इसको सुन सके? ऊपर वाला फ्लैट सिस्टम में तो आवाज बहुत दूर तक जाती भी है और इतने सटे सटे फ्लैट्स होते हैं कि ऊपर नीचे और अगल बगल तो अवश्य आवाज आती है। उसका फिर ये पता लगा कि उस समय बहुत तेज तूफान और बहुत ही घनघोर बारिश हो रही थी। पुलिस ने संजय की मदद से लिस्ट बनानी शुरू की उन लोगों की जो उनके घर आते जाते थे, साथ ही ऐसे लोगों की भी जिनसे संजय के परिवार की नहीं बनती थी। हर परिवार में कुछ न कुछ नात रिश्तेदार या परिचित या व्यवसायिक प्रतिद्वंदिता वाले लोग होते हैं जिनसे परिवार की पटती नहीं है, लड़ाई हो ना हो लेकिन पटती नहीं है। नौकरों के नाम जो उनके यहाँ काम करते हैं, बहुत चलने वाली उनकी मिठाई की दुकान थी सागर स्वीट्स और अच्छी उससे आमदनी भी थी उनको, तो करीब 100 के आसपास नाम पुलिस के पास आ गए। लेकिन इन 100 में से हत्यारे को ढूंढना बहुत मुश्किल था। पुलिस काफ़ी समय बीतने तक भी खाली हाथ थी और आप समझ सकते हैं कि अखबारों और टीवी चैनल्स ने क्या हाल किया होगा पुलिस का। बहुत मुश्किल का वक्त था पुलिस के लिए। लेकिन तभी एक दिन, यानी घटना के अगले दिन, जिस दिन ये सूची बनी है उसके भी अगले दिन, संजय सेठ ने एक बात बताई, अंदाज बताया सिर्फ, जब बार बार पुलिस की और बताइए और कौन था, तो उसने ये कहा कि करीब ढाई महीने पहले 8 जून 1994 को उनकी दुकान सागर स्वीट्स पे राजू सिंह राज पुरोहित नाम का एक नौकर आया था। वहाँ काम करने वाले किसी नौकर के रेफरेंस से उसको रख लिया गया था और एक महीना भी पूरा नहीं बीता कि उसने अपनी तनख्वाह बढ़ाने की डिमांड शुरू कर दी। एक महीने में ही जब इस तरह के नखरे काम करने वाले करते हैं तो मालिक यही कहता है कि भैया नमस्कार, अब आप जाइए, आपकी ज़रूरत नहीं, हम दूसरे को। उससे अंदाज लगता है कि आदमी मेहनत भी उतनी नहीं कर रहा है, लालच इसके मन में है और आते ही तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहा है और उसको निकाल दिया। या यूं कहें कि उसका तो यही कहना है आगे के बयानों में कि जब उन्होंने तनख्वाह बढ़ाने से इनकार किया तो उसने खुद ही नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के करीब 10 दिन बाद राजू सिंह राजपुरोहित अपने एक दोस्त के साथ उस दुकान पर गया और उसने कहा कि चलो ठीक है, हमारी तनख्वाह आपने नहीं बढ़ाई, मैंने नौकरी छोड़ दी, इस लड़के को नौकरी पर रख लो। संजय उस समय दुकान पर थे। संजय ने कहा कि मैंने उससे कहा कि मैंने उसकी जगह, राजपुरोहित की जगह, दूसरा लड़का रख लिया है, इसलिए किसी और को नौकरी में रखने का कोई मतलब नहीं है। अपनी शंका एक उसने व्यक्त की कि जिस दिन वो उस लड़के को साथ लेके आया था उस समय उसके हाव भाव ठीक नहीं थे। पुलिस ने फिर पूछा कि कैसे हाव भाव, तो उन्होंने कहा जैसे ही मैंने कहा कि दूसरे लड़के को रख लिया है, उसने कहा ऐसे कैसे रख लिया, मेरा भी इंतजार कर सकते थे। इस तरह की बात, जो नौकरी छोड़ने के भी 15 दिन बाद की बात है ये, वो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा उसे लगा, इसलिए उसने पुलिस को ये बात बता दी। खैर, ये इन्फॉर्मेशन कोई पुख्ता इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए, पुलिस की सहायता के लिए ये सूचना थोड़ी इम्पॉर्टेंट थी। पुलिस को पता चला कि राजू सिंह राजपुरोहित संजय राठी की दुकान पर काम करने से पहले बॉम्बे विहार नाम के रेस्टोरेंट में काम करता था। 30 मई 1994 को पहली बार वो राजस्थान से पुणे आया था। उसका भाई कल्याण सिंह पहले से ही वहाँ काम कर रहा था। वहाँ राजू सिंह को 800 रुपये महीने के हिसाब से तनख्वाह मिलती थी। चूंकि राजू सिंह राजपुरोहित मराठी बिल्कुल नहीं जानता था, इसलिए थोड़े दिन बाद ही बॉम्बे विहार रेस्टोरेंट से उसे निकाल दिया गया, क्योंकि उनके यहाँ का जो क्लाइंटेल था, जो ग्राहक थे, वो सब मराठी थे। ऑर्डर में ये बात समझ पाता नहीं था
और इससे रेस्टोरेंट के काम में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसे निकाल दिया गया। इसके बाद वहां से जब निकाल दिया गया बॉम्बे बिहार से, तब वो संजय राठी की दुकान पर आया, वहां उसे 600 रुपए महीने मिलने लगे। बॉम्बे बिहार में उसे 800 रुपए महीने मिल रहे थे, लेकिन एक महीने बाद ही वो तनख्वाह बढ़ाने की जिद करने लगा। फिर वहां से भी जब मना कर दिया गया और वहां से चला गया, तो पुलिस को बॉम्बे बिहार रेस्टोरेंट पे पता लगा कि राजू सिंह उस घटना के बाद से यहाँ कभी नहीं आया है। रेस्टोरेंट में काम करने वाले राजू सिंह के दो दोस्त, एक नारायण राम चेतन राम चौधरी और दूसरा जितेंद्र गहलोत, ये भी घटना के दिन 25 अगस्त 1994 से बिना कुछ बताए हुए रेस्टोरेंट से गायब थे। ये जानकारी मिलते ही पुलिस का माथा ठनक गया कि एक तो वो खुद नहीं गया और उसके साथ के ये दो दोस्त, जब वो काम करता था तो उसके अच्छे दोस्त थे ये दोनों, वो भी घटना के बाद से रेस्टोरेंट से गायब है। तो पुलिस ने नारायण राम चेतन राम चौधरी और जितेंद्र गहलोत की भी तलाश शुरू कर दी। कल्याण सिंह के मार्फत, यानी राजू सिंह राजपुरोहित के भाई के मार्फत, ये पता लग गया कि राजू सिंह राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के मुकलावा गांव का रहने वाला है। थाने पुलिस ने सबसे पहले राजू सिंह राजपुरोहित को पकड़ने के लिए अपनी टीम मुकलावा गांव के लिए रवाना कर दी। वहां पहुंचने पर पता लगा कि वो वहां घटना के बाद से कभी नहीं आया। ये भी पता लगा कि राजू सिंह राजपुरोहित थोड़ा मनबढ़ टाइप का था, क्योंकि उसके पिता राजस्थान पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर पोस्टेड थे। पुलिस की दो और टीमें चेतन राम नारायण राम चौधरी और जितेंद्र गहलोत की तलाश में राजस्थान के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जिलों में दबिश देने लगी। आखिरकार घटना के 10 दिन बाद 5 सितंबर 1994 को पुणे पुलिस ने नारायण राम चेतन राम चौधरी को बीकानेर जिले के डूंगरगढ़ पुलिस स्टेशन के गांव जाल पसार से गिरफ्तार कर लिया। उसे पुणे लाया गया, पूछताछ शुरू हुई तो उसने बताया कि इस पूरे कांड का को अंजाम उसने और उसके साथ राजू सिंह और जितेंद्र गहलोत ने किया था। इसलिए किया था कि एक तो वहां लूट में अच्छे माल मिलने की संभावना थी, दूसरा उसको घर वाले जो जितनी महिलाएं थीं वो पहचानती थी इसके दोस्त को जो वहाँ से छोड़ दिया गया था, राजू सिंह राज पुरोहित को, उसका घर में आना जाना था इसलिए घर की महिलाएं सब पहचानती थी, इसलिए उनको मारना जरूरी था, ऐसा बताया। उसके बाद थोड़े दिन बाद ही जितेंद्र गहलोत भी पकड़ लिया गया और 14 अक्टूबर यानी इन लोगों के पकड़े जाने के एक महीने बाद 14 अक्टूबर 94 को जोधपुर के शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन के तत्कालीन इंस्पेक्टर प्रताप चौधरी ने पुणे हेडक्वार्टर पर सूचना दी कि उसने राजू सिंह राजपुरोहित को पकड़ लिया है। राजू सिंह जोधपुर के भगत कोठी के पास कहीं कमरे किराए के कमरे पे रह रहा था। अगले दिन 15 को पुलिस वहां पहुंची जोधपुर में और वहां से उसको राजू सिंह राजपुरोहित को लेकर पुणे आ गई। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में चूंकि कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं था, सीसीटीवी कैमरा किसी की गवाही दे नहीं सकता था, जमाना ही नहीं था सीसीटीवी का 94 में, तो पुलिस ने राजू सिंह राजपुरोहित को सरकारी गवाह बना लिया और उससे पूरे हत्याकांड की जो कहानी थी उसे पूरी खोल कर रख दी। राजू सिंह का वो बयान जो चार्जशीट में शामिल है उसके हिसाब से संजय राठी की सागर स्वीट्स पे लगभग 2.5 महीने काम करने के बाद राजू ने नौकरी छोड़ दी, वापस बॉम्बे बिहार अपने परिचितों नारायण राम और जितेंद्र के पास आ गया। वो 3 दिन बॉम्बे बिहार में साथ साथ रहे। इसके बाद जितेंद्र की भी नौकरी
बॉम्बे बिहार से चली गई। मालिकों ने उसे भी निकाल दिया और उसका बकाया भी नहीं दिया। नारायण राम पुणे शहर के यरवदा के पास नागपुर चौल में एक कमरा लेकर रहता था। वो तीनों बॉम्बे विहार रेस्टोरेंट में एक साथ काम करते थे। इसके बाद जितेंद्र की नौकरी वहाँ चली गई। नारायण राम पुणे शहर के पास जिस कमरे में रहता था वहीं 21 अगस्त 2024 से 1994 से राजू और जितेंद्र भी उसी चौल के कमरे में पहुँच गए। तीनों बेरोजगार हो चुके थे। उनके पास जो पैसा बचा था वो भी धीरे धीरे खर्च हो रहा था। अगले महीने के किराए का भी पैसा उनके पास नहीं बचा था। इसी बीच में नौकरी की तलाश के उद्देश्य से वो एक दिन जितेंद्र को लेकर संजय राठी की दुकान पर पहुंचा। उसे अपने यहाँ रखने की जिद की, लेकिन जब वहाँ से मना कर दिया गया तो वापस आए तो फिर उनकी तंगी पैसे की बढ़ती ही जा रही थी। और वहीं पर उन लोगों ने किसी मारवाड़ी सेठ को लूटने का प्लान बनाया। नारायण राम ने राजू सिंह और जितेंद्र को संजय सेठ के यहाँ ही लूट करने को कहा। इसलिए कहा कि राजू सिंह वहाँ सबको पहचानता है, आने जाने के रास्ते जानता है, कौन कौन वहाँ मिलेगा ये सब बातें जानता है। इसलिए उसको और जितेंद्र को कहा कि इसी को टारगेट करना है। उसने ये बताया कि घर में 4 महिलाएं और बच्चे रहते हैं, दिन में बाप बेटे दोनों अपनी दुकान पर रहते हैं और काफ़ी माल मिलेगा। उसने हर दिन होने वाले जो कैश का कलेक्शन है वो भी जोड़ रखा था, अंदाज से वो भी बता दिया। लेकिन उसने ये कहा राजपुरोहित ने कि लूट इतनी आसान नहीं होगी, राजू के घर की औरतें सब उसको जानती और पहचानती हैं। राजू को घर की औरतें यानी संजय के घर की औरतें सब जानती पहचानती हैं और वहाँ से लूट करके निकलने के तुरंत बाद वो जरूर पुलिस को बता देंगी, इसलिए हमें उन्हें मारना होगा। मारने के लिए सबसे पहले बढ़िया किस्म का धारदार चाकू भी ले आना होगा। जितेंद्र ने अपने हाथ में चांदी का एक कड़ा पहना था, वो उसे लेकर एक ज्वेलर्स के पास उसने गिरवी रखा 90 रुपये में, और 24 अगस्त को उसी 90 रुपये में से 55 रुपये में एक नया धारदार और बड़ा चाकू खरीद लाए। उसके अलावा बाकी सबके पास छोटे और पुराने चाकू थे। तीनों 25 अगस्त 1994 को दोपहर 2 बजे के आसपास हिमांशु अपार्टमेंट्स पहुंचे, लेकिन नीचे उन्होंने संजय की स्कूटर खड़ी देखी, मोटरसाइकिल खड़ी देखी। वो राजू उसको पहचान गया कि ये संजय की बाइक है, इसलिए उसने बताया कि वो अभी फ्लैट पर ही है, इसलिए चलो घूम के आते हैं। तीनों घूमते रहे और यहाँ तीनों ने वड़ा पाव खाया और करीब 1 घंटे से ज़्यादा इधर उधर समय अपना व्यतीत किया। लगभग 1 घंटे बाद दोपहर 3 बजे वो तीनों अपार्टमेंट्स में पहुंच गए। अपार्टमेंट के बाहर पहुंचे, इस बार संजय की बाइक नहीं थी। वो तीनों फ्लैट की तरफ सीढ़ियों से बढ़ने लगे। सबसे आगे राजू था, उसके पीछे नारायण राम और सबसे पीछे जितेंद्र। इस दौरान उसने पहली मंजिल पर स्थित सभी फ्लैट्स के बाहर से कुंडियां लगानी, धीरे धीरे कुंडियां लगानी शुरू कर दी ताकि शोर सुनकर कोई बाहर ना आ जाए। जब वो चढ़ रहे थे तभी राजू राजपुरोहित ने देखा कि संजय के घर की नौकरानी सत्यभामा सीढ़ियों पर आगे आगे जा रही है। यह देख के राजू घबरा गया पर और उल्टे पांव लौटने लगा। नारायण राम ने राजू को धमकाया और उसे राठी के घर तक पहुंचने के लिए मजबूर किया। संजय राठी का फ्लैट 6B का मुख्य दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था क्योंकि 2 मिनट पहले ही सत्यभामा भीतर गई थी। राजू ने बाहर से देखा कि सत्यभामा घर का काम कर रही है। भीतर घुसना आसान हो गया। सबसे पहले राजू भीतर गया, उसके पीछे नारायण राम और उससे भी पीछे जितेंद्र भी फ्लैट में घुस गया। अंदर घुसते ही तीनों ने दरवाजा बंद कर लिया। ये देखकर सत्यभामा चौंक गई। उसने संजय की माँ मीराबाई को आवाज दी। मीराबाई राजू को पहचानती थी। उनके साथ 2 अनजान युवकों को देखकर मीराबाई भी घबरा गई और राजू से पूछा कि ये यहाँ क्यों आए हैं। राजू कुछ
बोलता इसके पहले ही जितेंद्र ने गालियां निकालते हुए उन दोनों की आंख में मिर्च का पाउडर झोंक दिया और दोनों दर्द से चिल्लाने लगी। चाकू उनके गर्दन पर रखकर उन्हें धमकाया। नारायण ने अपने जेब से नया और जितेंद्र ने अपने जेब से पुराना चाकू निकाल लिया। घर में मौजूद मीराबाई, सत्यभामा, संजय की शादीशुदा बहन हेमलता, कुंवारी बहन प्रीति, पत्नी बबीता, भांजा प्रतीक और बेटे चिराग को धमकाते हुए बीच में फ्लैट के बीच का जो ओपन एरिया होता है वहां पर जमा करके बैठा दिया। जब वो तीनों घटना को अंजाम दे रहे थे तभी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश भी हो रही थी। ये बयान मैं पढ़ रहा हूँ उसका जो केस डायरी में है और राजू रात पुरोहित ने एक सरकारी गवाह के नाते पुलिस को ये बयान नोट कराया था। नारायण राम ने मीराबाई को चाकू से धमकाते हुए कहा कि कीमती सामान और गहने कहाँ हैं। राजू राजपुरोहित ने पहले ही अंदाज लगाया था कि उसी कमरे में है जिसमें किसी को जाने की इजाजत घर वालों ने नहीं दी थी। मीराबाई डर गई, उनकी आंखों में पहले से ही मिर्चे का पाउडर पड़ा हुआ था। वो तुरंत अंदर अलमारी की तरफ उन्होंने उंगली उठाई। नारायण राम और जितेंद्र ने राजू को मिर्च के पाउडर का पैकेट दिया और कहा कि जो भी चिल्लाए उसकी आंख में डाल देना, क्योंकि एक साथ सबको रखा गया था। उसके बाद नारायण और जितेंद्र मीराबाई को पकड़कर कमरे में ले गए। यहां नारायण राम ने मीराबाई पर ताबड़तोड़ चाकुओं से मारकर उसकी हत्या कर दी और लाश उसके कमरे में ही बेड पर पटक दी। इसके बाद दोनों बाहर आए और बबीता और उसके बेटे चिराग को अपने साथ दूसरे कमरे में ले गए। वह यहाँ नारायण राम ने बबीता और चिराग पर भी चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। कुछ ही मिनट में दोनों ने दम तोड़ दिया। इसके बाद राजू प्रीति के पास गया, नारायण राम के कहने पर उसे मारने के लिए बाथरूम में ले गया। वहां उसने वॉशिंग मशीन से तार काटा और उस तार से प्रीति का गला घोट दिया। राजू को लगा कि प्रीति मर गई लेकिन उसकी सांसें चल रही थी, थोड़ी देर में वो तड़पने लगी दर्द से। नारायण राम ने कराहने की आवाज़ सुनी और चाकू लेकर बाथरूम में घुस गया और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद राजू और नारायण राम घर की नौकरानी सत्यभामा को और एक जगह बीच में जो ओपन एरिया होता है बीच में चौक जैसा जिसे कहते हैं वहां से एक एक आदमी को उठा उठा कर, मिर्च पाउडर होने की वजह से वो देख नहीं पा रही थी, और एक एक करके अलग अलग जगह ले जाकर मार रहे थे। तो राजू और नारायण राम सत्यभामा को रसोई में ले गए। राजू ने सत्यभामा को पकड़ा और नारायण राम ने पेट में चाकू से वार करके उसकी हत्या कर दी। इसके बाद राजू और राम नारायण उस कमरे में गए जहां संजय की बहन हेमलता और उसका बेटा प्रतीक खड़े हुए थे। बदमाशों ने प्रतीक को उससे छीनने की कोशिश की, हेमलता ने इसका विरोध किया। जितेंद्र ने हेमलता से कहा कि वो बच्चे को नहीं मारेगा, उसे उसकी नानी को दे देगा। जितेंद्र ने हेमलता को धमकी दी कि अगर बच्चा नहीं दिया तो वो बच्चे को भी यहीं मार डालेगा। ये सुनकर हेमलता घबरा गई और अपना बेटा जितेंद्र को सौंप दिया। जितेंद्र और राजू 1.5 साल के प्रतीक को उस कमरे में ले गई जहां मीराबाई यानी बच्चे की नानी वो खून से लथपथ लाश जहां पड़ी थी बिस्तर पर, वहां जितेंद्र ने प्रतीक का गला दबा दिया। इसके बाद जितेंद्र और राजू नारायण राम के पास गए जो हेमलता के सामने खड़ा था। हेमलता ने पूछा मेरा बेटा कहाँ है। इस पर जितेंद्र ने बताया बच्चे को उसकी नानी को दे दिया गया। नारायण राम वार करने के लिए हेमलता के पास गया, हेमलता ने संघर्ष किया और इस दौरान वो नीचे गिर गई। नारायण राम ने चाकू से उसका गला काट दिया। जब वो दर्द से तड़प रही थी तो नारायण राम ने उससे रेप करने की भी कोशिश की, लेकिन फिर बाकी दोनों ने ये कहा कि अभी इसका टाइम नहीं है, सामान सब इकट्ठा कर लो, माल सब इकट्ठा कर लो, फिर तुम जो चाहे कर लेना। घर में मौजूद सभी 7 लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद नारायण राम, जितेंद्र और राजू ने घर में लूट शुरू कर दी। घर में रखी सभी अलमारियों को खाली करके बैग में कीमती सामान, नकदी और गहने भर लिए। नारायण राम और जितेंद्र
वहीं पर उन्होंने अपने कपड़े बदले, नए कपड़े जो संजय के घर में रखे हुए थे उन्हें पहना और खून से सने उनके जो कपड़े थे और वारदात में इस्तेमाल किए गए चाकू उन्होंने अपने सारे सामान वाले बैग में डाल लिया। वारदात देख करके वो जैसे ही वहाँ से निकलने वाले थे तभी घर के लैंडलाइन का फोन का की रिंग होने लगी, यानी फोन बजने लगा। नारायण राम ने बैग से चाकू निकाला और लैंडलाइन का तार काट दिया। इसी दौरान उनको उसको कमरे में से प्रतीक के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी, जिसे वो मरा समझकर छोड़ आया था। जितेंद्र के कहने पर वो सभी कमरे के अंदर गए और जितेंद्र ने राम नारायण से चाकू लिया और प्रतीक पर कई वार करके उसे मार डाला। इसके बाद उन्होंने फ्लैट में ताला लगाया, गहने नकदी से भरे बैग लेकर तीनों मेन रोड की तरफ जाने वाली गली में आए। वहाँ से सड़क पर एक रिक्शा मिला, उसी रिक्शा से सभी अपने नागपुर चाल वाले फ्लैट पर के कमरे पर पहुँच गए। नागपुर चाल पहुँचने पर जितेंद्र ने राजू से शराब और कुछ खाने का सामान लाने को कहा। राजू ने इसके लिए 200 रुपये, जो लूट वाले रुपए थे उसी में से 200 रुपये दिए। राजू के वापस आने पर बैग का सारा सामान निकाला गया और खून से सने कपड़ों के अलावा माउथ ऑर्गन, कैमरा, 500 रुपये की एक गड्डी, 100 रुपये की एक गड्डी और 50 रुपये की एक गड्डी उसमें से निकली। राजू ने माउथ ऑर्गन, कैमरा, रिचो मैक की एक लेडीज कलाई घड़ी और नेपाल के सिक्के अपने पास रख लिए और नारायण राम ने मंगलसूत्र और एक HMT की घड़ी ले ली। मंगलसूत्र नारायण राम ने हेमलता के गले से निकाला था। जितेंद्र ने एक सोने की चेन, 3 सोने की चूड़ियां और 1 सोने की अंगूठी जिस पर SR लिखा हुआ था वो ले ली। इसके बाद नारायण राम ने राजू से जितेंद्र के खून से सने कपड़े धोने के लिए कहा। राजू ने वो कपड़े नहीं धोए। रात में 8 बजे उसी ज्वेलर की शॉप पे गए जहां उसने अपने चांदी का कड़ा गिरवी रखा था, 100 रुपये का भुगतान किया और चांदी का कड़ा छुड़वा लिया। तीनों वापस अपने कमरे में आ गए और शराब पीने लगे। उसके बाद राम नारायण ने दोनों चाकू शौचालय के पास छिपा दिए और सोने चले गए। अगले दिन राम नारायण के कहने पर राजू अखबार लेकर आया। अखबार में हत्याकांड की खबर थी लेकिन तीनों के पहचान संबंधी कोई सूचना किसी खबर में नहीं थी। सभी अखबारों में हेडलाइंस में यही खबर थी, तमाम फोटोग्राफ छपे थे लेकिन कोई इस ओर इशारा होता कि इन तीनों में से किसी का नाम हो ये बात कहीं भी थी नहीं। अगले दिन के अखबार में उन्हें राजू का नाम भी छपा हुआ मिल गया संदिग्ध के तौर पर। तीनों के होश उड़ गए और पकड़े जाने के डर से उन्होंने पुणे छोड़ने का फैसला कर लिया। 27 अगस्त को नारायण राम और जितेंद्र सूरत के रास्ते अहमदाबाद पहुंच गए और राजू भी दूसरे रास्ते से घूमते घामते अहमदाबाद पहुंच गया। यहां से तीनों एक साथ जयपुर के लिए रवाना हुए। उसके बाद गंगानगर पहुंचे जहां पर लूट के बचे हुए माल का बराबर बंटवारा किया। उसके बाद नारायण राम अपने गाँव जाल पसार चला गया। राजू और जितेंद्र अजमेर, जम्मू और दिल्ली के कई होटलों में फर्जी नाम से ठहरे और फरारी उन्होंने काटी। राजू सिंह जोधपुर में अपने साले शैतान सिंह के पास चला गया। इसके बाद पुलिस ने एक एक करके 15 दिन के भीतर सभी को अरेस्ट कर लिया। राजू सिंह को सरकारी गवाह बना लिया और नारायण राम को 6 हत्याओं और जितेंद्र सिंह को 1 हत्या और दोनों को सभी 7 हत्याओं की साजिश बनाने और अंजाम देने का आरोपी मानते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुणे की अदालत में चार्जशीट पेश की गई। इस मामले में कोर्ट में ट्रायल चला। 23 फरवरी 1998 को कोर्ट ने राम नारायण और जितेंद्र गहलोत को मौत की सजा सुनाई। राजू राजपुरोहित सरकारी गवाह बन चुका था इसलिए उसके खिलाफ कोई ट्रायल हुआ ही नहीं। इस आदेश की मौत के इस सजा के खिलाफ दोनों बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट ने भी 22 जुलाई 1999 को उन दोनों की फांसी की सजा को बरकरार रखने के आदेश दिए। इसके बाद 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने भी दोनों की फांसी की सजा बरकरार रखी। उसके बाद
सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाली गई। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया। फिर दोनों राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन लेकर गए। अक्टूबर 2016 में जितेंद्र की मर्सी पिटीशन एक्सेप्ट हो गई। उसकी फांसी को उम्र कैद में बदल दिया गया, लेकिन इसके साथ ही यह शर्त लगाई गई कि वो कभी जेल से बाहर नहीं आ सकता, मौत होने तक उसे जेल में ही रहना होगा। नारायण राम ने दोबारा 2018 में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाई। उसके साथ ही एक और पिटीशन लगाते हुए उसने कहा कि जब उसे पुणे की पुलिस ने पकड़ा था तब उसकी उम्र महज 12 साल थी और पुलिस ने उसे 22 साल बताकर जेल भेज दिया था। ये चीज़ कोर्ट की नोटिस में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इस पिटीशन की सुनवाई शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने उसके उम्र की जांच के लिए पुणे सेशन कोर्ट को इंक्वायरी कमेटी बिठाने के लिए कहा। मई 19 में इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आई तो सभी हैरान रह गए। उनके मुताबिक कत्ल के समय नारायण राम की उम्र 12 साल 6 महीने थी। इसके बाद मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने नारायण राम को बरी कर दिया कि वो जुवेनाइल था, उसे गलत तरीके से इतने साल 26 साल या 28 साल उसे कैद में रखा गया और जितेंद्र आज भी उम्र कैद की सजा काट रहा है। आज की घटना देखिए, एक नौकर जिसने एक दुकान में नौकरी छोड़ दी, उसका घर में आना जाना लगा रहा, घर के एक एक कोने की उसे जानकारी थी, उस कमरे की भी जानकारी थी जिस कमरे में उसे जाने की मनाही थी, और इतना तो अंदाज उसने लगा लिया कि इसी कमरे में सबसे ज्यादा अलमारियां हैं, हो न हो माल इसी में होगा, पैसा इसी कमरे में रखा गया होगा। रोज के कैश की जानकारी उसे दुकान पर हो गई थी। जब सारे दोस्तों की, तीनों दोस्तों की नौकरी छूट गई तो कोल्ड ब्लडेड प्लान करके कि सबको मारा जाएगा और सामान लूटा जाएगा, क्योंकि उसमें राजू राजपुरोहित को पहचानने वाली सभी महिलाएं हैं। दिक्कत क्यों हुई, या यूं कहें कि इतने बेलौस वो इसलिए हुए, एक तो सीसीटीवी का जमाना ही नहीं था, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में लोगों के पास सीसीटीवी हुआ करते थे 90, 91, 92, 93, 94 में। मोबाइल फोन बिल्कुल नहीं थे, सीडीआर का कोई मसला नहीं था, कम्युनिकेशन का साधन सिर्फ लैंडलाइन फोन ही था, और एक शक मात्र ने, संजय के एक शक ने, कि साहब एक बात और रह गई है, एक आदमी, एक लड़का था जो तनख्वाह बढ़ाने की जिद कर रहा था, फिर निकाल दिया, फिर वो दूसरे को लेके आया, जब दूसरे को लेके आया तो उसके हाव भाव सही नहीं थे। पुलिस ने इस शक के बिना पर मिली एक छोटी सी जानकारी को आगे बढ़ाया और फिर वहाँ वहाँ तक पहुँच गया जब इस केस को कंक्लूड किया गया। और वर्तमान युग में जब सीसीटीवी बहुतायत में है तो अब तो इस तरह की घटना होना थोड़ा सा मुश्किल है, या फिर घटना के बाद पुलिस को इतना परेशान नहीं होना पड़ता क्योंकि सीसीटीवी कदम दर कदम लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी एक सीख तो यही मिली कि किसी के रेफरेंस पे आपने अगर किसी को अपने यहाँ किसी काम पे रखा है, चाहे दुकान हो, संस्थान हो, घर हो, कहीं भी रखा है, तो उसको घर में फ्री एक्सेस कभी नहीं देनी चाहिए। देखिए, कोई भी नौकर करने वाला व्यक्ति, जो भी आपका एम्प्लॉई है और उसको नौकरी करते हुए आपके यहाँ 2-3 साल हुए हैं, तो उसे उसका व्यवहार, आपका जो मालिका, मालिक और नौकर का संबंध होता है या उसका जो व्यवहार होता है, वो दरवाजे के बाहर तक रखिए। दरवाजे के भीतर जब भी आप आएंगे तो ये तो खैर बड़ी घटना हुई, तमाम तरह की बातें मैंने बताई हैं जब इस तरह के लोगों की फ्री एक्सेस घर के भीतर हो जाती है। अब तो बहुत से तरीके निकल आए हैं कि आप जिसको अपने घर में काम के लिए रख रहे हैं या संस्थान में काम के लिए रख रहे हैं, उसका पुलिस वेरिफिकेशन करा लीजिए, आधार कार्ड पर जो उसका पता लिखा है उस पर पता कर लीजिए, खुद भी पता कर सकते हैं, उसकी फ़ोटो खींच कर रख लीजिए, अपने परिवार में जो जिम्मेदार लोग हैं उनको फ़ोटो और उनके आधार कार्ड की फ़ोटो आप रख लीजिए। तो ऐसे में घटनाएं
घटनाओं की संभावना कम होती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होती लेकिन कम, बहुत कम हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, फ्री एक्सेस किसी को मत दीजिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।